पब्लिक टीवी आपकी आवाज। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी के मैदान पर 1 नवंबर को सुबह पासिंग आउट परेड के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को 72 डिप्टी एसपी और मिल जाएंगे। इनमें 18 महिला डिप्टी एसपी शामिल हैं। पासिंग आउट परेड की सलामी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुलिस लाइन में आयोजित एमडीए के एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। पुलिस अकादमी से लेकर पुलिस लाइन तक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी में डिप्टी एसपी के 86वें बैच का प्रशिक्षण 20 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ था। आउटडोर और इंडोर के प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए अब नए अफसर ड्यूटी के लिए तैयार हो चुके हैं। 72 डिप्टी एसपी का ये बैच 1 नवंबर को पासिंग आउट परेड में शामिल होगा, जिसमें 18 महिला डिप्टी एसपी हैं। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड की सलामी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। मुख्यमंत्री का विमान मुंडा पांडे हवाई अड्डे पर उतरेगा। यहां से वो हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचेंगे और यहां से कार द्वारा सोमवार सुबह 9:30 बजे पासिंग आउट परेड में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो पुलिस लाइन जाएंगे। यहां एमडीए द्वारा आयोजित आवास आवंटन के कार्यक्रम में भी वो शामिल रहेंगे। रविवार को सभी व्यवस्थाओं का मुकम्मल जायजा लेने के लिए अधिकारियों ने परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस लाइन में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए जद्दोजहद जारी रही। तो वहीं नगर निगम की ओर से सड़क किनारे सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कर्मचारी काम करते हुए नजर आए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।